गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बात याद रखिएगा, लाइफ में जब भी कभी कुछ आपको अर्जित करना हो, कुछ पाना हो, अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, तो आपको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर हम हमेशा डायलेमा में रहते हैं। मैं देखा नीट का रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चे जिनके 580 मार्क्स हैं, 575 मार्क्स हैं, बहुत दुखी हैं। उनको उन्होंने फ़ोन लगा लगा के मुझसे कहा कि सर हम जो है वो हमारा तीसरा अटैम्प्ट था, हमारा चौथा अटैम्प्ट था, मेरे 580 नंबर आए, अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अब और आगे नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा तो जो है मन दुखी है। कई बच्चों ने तो यहाँ तक बोला कि सर हम तो सोच रहे हैं सुसाइड कर ले, हमारे बस की अब नहीं है। तो मैं यही बोला, बेटा देखे 580 नंबर आया, 620 नंबर आया, मैं यही बोलता हूँ कि भाई देखो तीसरे फर्क सिर्फ सा जो है कुछ क्वेश्चंस का फर्क रह गया है। आपके पास 6 महीने बाद फिर से एग्जाम है, एक बार फिर से दम से पढ़ लीजिए कौन सा क्वेश्चन निकला जा रहा है हाथ से। के देखिए, सिंपल सी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है वो कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण जो है वो हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ पे कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे होते हैं। के आगे वाला लॉट निकल गया, अब आप हैं, अगली बार कोशिश करेंगे तो आप आगे आएंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए क्या होता है कि लॉट है कि एक लॉट आगे निकल गया, अब आप पीछे थोड़े थे तो अब आपकी बारी, आप आगे निकलने की। अब लेकिन आप हथियार डाल देंगे तो आगे नहीं निकल पाएंगे ना। ठीक है, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी सक्सेस जो होती है ना, उसको पाने के लिए आपको अपना सर्वस्व देना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं उतना परिणाम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये सोचे बगैर कोशिश करनी होती है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बड़ी फेमस कहानी है, मिडिल ईस्ट की एक स्टोरी है ये, कि एक बार एक आदमी होता है वो रेगिस्तान में भटक गया होता है, समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। रेगिस्तान तो अथाह होता है, बड़ा होता है बहुत, ठीक है, समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ठीक है, अब उसके पास जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो भी खत्म हो गया होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सा रेगिस्तान है, पानी पीने को नहीं है, प्यासा आदमी है, तो वो बहुत जो है वो डर जाता है अंदर से, कि उससे लगता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरे को कुछ सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो चलता रहता, धीमे धीमे वो चलता रहता है, और उसे दूर कहीं पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है, और झोपड़ी के पास उसे एक नल लगा हुआ दिखाई पड़ता है, एक हैंडपम्प लगा दिखाई देता है। उसको लगता है अरे वाह, चलो हैंडपम्प तो मिला है यहाँ पेट के, तो वो झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ जाके देखता है झोपड़ी में तो कोई है ही नहीं, झोपड़ी खाली पड़ी है, बाहर एक हैंडपम्प लगा हुआ है। उस हैंडपम्प को वो पूरी ताकत से कोशिश करता है, चलाता है, काफ़ी देर जाती है, 15 मिनट हो जाता है, लेकिन हैंडपम्प से कोई पानी नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। ठीक है, अब वो दुखी होता है, बोलता है यार तो हैंडपम्प तो था, इतनी मेहनत भी की मैंने और पानी भी नहीं है इसमें। तो वो झोपड़ी में जाके देखता है भाई कुछ झोपड़ी में शायद कुछ मिल जाए यहाँ पर के, वो झोपड़ी में जाता है। अब झोपड़ी में जाता है, हट के अंदर जाता है, तो उस हट में एक जग रखा होता है, एक पानी का जग रखा होता है, और जग के ऊपर एक पर्ची लगी होती है। वो जग को पर्ची नहीं खोलता, पहले जग को उठा देता है, सोचता है अरे इस जग के अंदर तो पानी भरा हुआ है, वो जग में पूरा पानी भरा होता है, और पर्ची जो पर्ची है उस पर्ची पे लिखा होता है कि आपको बाहर का नल चालू करने के लिए पहले आपको उसे पानी से प्राइम करना होगा। प्राइम मतलब पहले पानी डालना होगा, तब वो निकालेगा पानी, उसके मतलब मोटर को आपको एक प्रकार से जो है वो उसके पंपिंग सिस्टम को चालू करने के लिए पहले आपको लोड करना पड़ेगा वाटर, उसके बाद फिर वो वाटर लेना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उस आदमी के पास दो चॉइस आ गई। पहली चॉइस तो ये कि उस पर्ची पर वो यकीन कर ले कि वो जग भर पूरे जग का जो पानी था उसको उस पंप के अंदर डाले और उस पंप को चलाए, जिस पंप को ऑलरेडी 15 मिनट से वो चला रहा था और कोई पानी नहीं निकला, उस पंप में वो बोल रहा है कि एक जग पानी डाल दो उसके बाद चलाओगे शायद पानी तो पानी निकल आएगा, ऐसा पर्ची में लिखा हुआ है। दूसरी चॉइस उसके पास ये थी कि वो पर्ची की बात को ना माने, सीधा पानी पी ले, जग में जो पानी रखा है उस पानी को सीधा पी ले तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। फिर वो जग में जो लिखा होता है उस पर, जग के ऊपर पर्ची में लिखा होता है कि आपको पंप को चालू करने के लिए पहले पानी डालना होगा फिर पंप को चलाना, और मेरे दोस्त उसमें लिखा, मेरे दोस्त जब तुम यहां से जाओगे ना तो इस जग को दोबारा भर कर जाना और पर्ची वैसे रख के जाना। उसका मन भटक जाता, उसको लगता है कि मैं जग का पानी पी लूं या डालूं, तो फिर लेकिन उसको अंत में उसको लगता है कि यार जो है यदि मैंने इस जग का पानी पी लिया तो ये पंप कभी काम नहीं करेगा, यदि इस पर्ची में 1% में सच्चाई है तो मुझे चांस लेना चाहिए। तो वो पूरा जग का पानी उस जो है वो पंप में डालता है और उस पंप को चलाता है, देखता है 5 मिनट पंप चलाने के बाद देखता है वो कि खूब पानी निकल आया, खूब अच्छे से पानी पीता है, एकदम फ्रेश वाटर मिलता है, पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो उस जग को दोबारा भरता है, पर्ची को वैसे ही अंदर रख के वो
अपने सफर पर अपनी बोतलें भर के पानी की आगे निकल जाता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि देखिए, जिंदगी में हमारे सबके पास में दो चॉइस होती है। एक तो होती है शॉर्टकट रास्ता अपना लें, वो जग का पानी पी लेता, थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है उसकी, लेकिन ये है ना तो वो आगे सफर के लिए पानी को स्टोर कर पाता, ले पाता, जैसे उसके पास जो बोतलें थी, जो भी सामान रखा था, इसमें पानी भर रहा था, वो उसको उसने स्टोर कर लिया, दोबारा से उसके पास लंबे सफर के लिए पानी हो गया, ना वो पानी भर पाता, ना दूसरे की मदद हो पाती, है ना। तो पहले उसने उस सेक्रीफाइस को किया, उसने एक जग पानी जिससे उसकी प्यास बुझ सकती थी उसको उसने सेक्रीफाइस कर दिया, और उसके बाद फिर उसको सब कुछ मिला। जीवन में हमारे पास ऐसी ही दो चॉइसें होती हैं। एक छोटी शॉर्टकट होता है कि भाई ये कर लेते हैं, चलो बीएससी कर रहे, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अब ठीक है जो हुआ सो हुआ के, लेकिन उससे आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे थे, लंबे जीवन के लिए जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? ठीक है, तो अपने मेहनत के जग को उड़ेल दीजिए और उससे उस पंप को चलाइए और सफलता को बाहर निकाल लीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।